सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बहुत शुक्रिया देखने का। प्लीज़ मेरे चैनल को आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें, आपकी बहुत ज़रूरत है, दुआओं की और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दम वाला कीमा। तो उसके लिए आप मैंने जो है वो मैं 250 ग्राम मैंने कीमा लिया है और साथ में मैंने फ्राई प्याज हैं, आप फ्रेश फ्राई प्याज मैंने ये करके मैंने रखे हुए हैं। और साथ में इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसके अंदर जीरा और सूखा धनिया डाल के मैंने इसको इसका पेस्ट मैंने तैयार किया है। साबुत गरम मसाला फ्रेश लेके उसको मैंने पीस के पीस लिया है, मिक्स कुटा हुआ गरम मसाला है। इसके अंदर जाएगा योगर्ट और इसके अंदर रेड चिली जाएगी, फ्लेक्स जाएंगी और सॉल्ट और कुकिंग ऑयल। तो हम लोग आइए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे फ्राई प्याज, इसके अंदर हम डालेंगे ये तकरीबन 2 चम्मच भर के जो है वो फ्राई प्याज के। हल्दी डालेंगे इसके अंदर, गरम मसाला डालेंगे इसके अंदर, चिली फ्लेक्स इसके अंदर डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी इसके अंदर हम डालेंगे दही, तकरीबन 2 चम्मच भर के दही के इसके अंदर ऐड होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 चम्मच भर के इसके अंदर मैंने दही के डाल दिए हैं। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड करूंगी। इन सब चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब और मिक्स करने के बाद हम इसको तकरीबन एक घंटे के लिए, आधे से एक घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। ये बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो है कीमा जो है वो मिक्स हो चुका है, ये दम वाला कीमा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक करें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो मैंने वैसे मीडियम डाला है और कीमे की क्वांटिटी के मुताबिक ही इसके अंदर बाकी के जो मसाला जात हैं वो जाएंगे। अगर ज़्यादा कीमा है तो क्वांटिटी बढ़ा दें। अब इसको हम मिक्स कर चुके हैं, मिक्स करने के बाद इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो कीमे को मसाला लगा हुआ तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। एक फ्राई पैन लेंगे हम, देज की ले लें, फ्राई पैन ले लें खुला वाला, मेरे पास खुला वाला फ्राई पैन है। इसके अंदर हम लोग 2 से 3 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर कीमा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कीमे को अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बस ये मिक्स हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच मीडियम साइज का प्याज टमाटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। बहुत मज़ेदार दम वाला कीमा तैयार हो रहा है आज। इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो अच्छे तरीके से ये अपने ही पानी में पकेगा, इसमें और पानी आपने ऐड नहीं करना क्योंकि टमाटर का पानी भी है। अब इसके अंदर हम फिर से अगेन 1 चम्मच भर के जो है
वो प्याज का डालेंगे, फ्राई प्याज का। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढक देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और तकरीबन हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखेंगे। फ्रेंड्स, तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आइए हम चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा दम वाला कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम लोग हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमारा बहुत मज़ेदार किस्म का दम वाला कीमा जो है वो तैयार हो चुका है, ये आपके सामने है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो इस मेरी रेसिपी ये जो मेरी रेसिपी है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।